अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई क्या कहते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9:40 और मैं ये कहते हैं गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ सारी इसमें गैस शैस क्यों भरवाने लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी रात को निकालनी होगी कोई 12-1 बजे करीब। तो उस टाइम घर वाले कहते हैं कि पहले का फ्यूल वगैरह पड़ा हो गाड़ी में, क्योंकि रात को फिर तुम पम्प वगैरह पे ना रुको, इस तरह सीधा जहाँ पर जाना है जाओ। जाना किधर हमने यार, तो वो मैं आपको साथ बताऊँगा, पहले मैं फ्यूल भरवा लूँ और फिर जब रात को 1-2 बजे हम निकलेंगे ना, मैं उस टाइम आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगा कि मैं भाई बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मामले में। बहरहाल निकलती हैं और साथ रहे भी। तो भाई साहब मैंने अभी गाड़ी में CNG भी डलवा लिया और पेट्रोल भी डलवा लिया। पेट्रोल तो खैर हमने 300 का डाला है गिन के, क्योंकि गाड़ी CNG पे जाहिर सी बात है, वो इसलिए डाला कि पहले भी पड़ा था गाड़ी में थोड़ा बहुत, नहीं पता कितना पड़ा, क्योंकि ये धोखेबाज सुई है, इस पर जाना नहीं है और ना ही आपने इन लाइटों पे जाना है। लाइटों पे थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हैं, लेकिन मैं आगे बोनेट पे इसका गेज लगा हुआ होता है एनालॉग गेज, वो बता रहे थे कि कितना प्रेशर है, तो उससे अंदाज़ा होता है गैस कितनी पड़ी हुई है। तो गैस हमने डलवाई है 1600 की और पेट्रोल डाला है हमने 300 का, तो ये हमारा काम यस हो गया। अब जाता हूँ मैं घर और घर जाके ज़रा थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मिड डे वेंसडे को, और ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे रात को, तो मैंने एक क्लास में पढ़ा हुआ वेंसडे को मिड लैब का भी और थ्योरी का भी है, तो ये ज़रा एल सीन चल रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या सीन। तो निकालते हैं गाड़ी, मैं कैमरा बंद करूँ। तो भाई साहब इस टाइम बज रहे हैं रात के 1 और मैंने गाड़ी का बोनट ऊपर इंतजार उठाया है, क्योंकि मैंने गाड़ी का पानी चेक करना है। पानी इसमें डालते हैं और गाड़ी का तेल चेक करना है, जो कि ओके है। बंदोबस्त लगाते हैं, अगर CNG की सिचुएशन देखी जाए तो गैस हमने भरवा ली थी और वादू है, और आपका भाई इस टाइम फ्रेश तैयार हो के फुल रेडीमेड हो गया, कपड़े भी हमने दोबारा इस्त्री कर लिए थे। मैं ये चूस चूस वाली बोतल लेकर आया था, इसमें से पानी भरेंगे, क्योंकि नहाने में पानी भरने की इस टाइम हमें सुस्ती हो रही थी। पाएंगे पानी थोड़ा सा ही चाहिए, उसके बाद ले लेंगे। कितना बड़ा चवल है, रात को 1 बजे मोबाइल उठा के वीडियोस बना रहे। तो भाई साहब मुंबई की टिकट कंफर्म होगी और अब हमें जा रहे हैं एयरपोर्ट लेने, आपको सीन्स चेक कराते हैं रास्ते के लिए, और अचानक सरप्राइज ही मिला था, जाते हैं गाड़ी हमने स्टार्ट। तो यार अभी बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं चाचू आए हैं उनके पीछे पीछे, फिर हम भी गाड़ी निकाल के निकल जाएंगे। गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करके लेकर जाऊँगा, गेट को मैंने सारा लॉक शॉक कर लिया है। अभी याद आई है कि लाइसेंस अंदर पड़ा हुआ है, मतलब वॉलेट और लर्नर वगैरह सारा कुछ उसी में पड़ा हुआ था, आई कार्ड, तो चाहते मैं वो लेकर आया। तो जो मनाजर ऐसे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट, कोई शोर शराबा नहीं, सुकून लाइफ स्टाइल, कोंगी हो गया गाड़ी। मैं तो बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, नहीं भाई से 6 साल बाद मुलाकात होगी। तो भाई साहब गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, बहुत खुवार हुआ, कसम से पार्किंग मिलती ही नहीं है। अभी घर वालों का मैसेज है कि नीचे आ जाओ बेसमेंट में, बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर में वेट कर रहे हैं। अभी टाइम तो लगता है 2 बजे की फ्लाइट थी, जाके देख। तो भाई इधर हमें बिलाल साहब ही मिले हैं, बिलाल उमर साहब, हाँ ब्लॉग आएगा वो, तो जहाज में तो मेरी बात होती है, मैंने कैसा रिएक्शन होगा, कहते हैं हाँ सही है भाई, रिएक्शन तो प्राइसलेस होगा, देखते हैं ये किसी का कार है। अच्छा फुल इंतज़ार चल रहा है, वेट कर रहे हैं भाई सस्पेंस के साथ, भाई सब वेट कर करके बुरा हाल हो गया, घंटा हो गया मैं आए हुए, और अभी तो यहाँ पे रश भी ख़त्म हो गई है, लेकिन अंदर जहाँ पे लगेज वगैरह पिक करने वहाँ पे कह रहे हैं रश है।
छोटा था सामने वेट कर रहे हैं। और हम इधर वेट कर रहे हैं। नहीं भाई आ गए यार। यार चलो आगे आगे वीडियो बना ली वो उम्र ने बनाई है। तो भाई साहब निशान का ऑयल चेंज होने लगा है। शेल का 1040 ऑयल फिल्टर वो पड़ा हुआ है। और बिला उस्ताद साहब आए हैं जैक लेके, जैक लगाते हैं और फिर इसका ऑयल शॉयल बदलते हैं। मैं तब तक ज़रा पानी शानी पीऊँ, मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी हुई है। फिर आपसे मिलते हैं। वैसे उस साइड से गाड़ी को जैक लगा हुआ ना, तो इस साइड से गाड़ी ज़रा लो हुई है। तो मुझे वैसे बताना कमेंट्स में कि अगर इतनी लो बना करवा ले आगे से भी पीछे से भी तो क्या ख्याल है। अगर दिखाएं तो भाई 3 उंगलियों का वायर है और कोई गाड़ी है भी 2.5 इंच उठी है पीछे से बना, 2-2 इंच नीचे करवा दे पीछे से इतनी बल्कि रहने दे और आगे से बंदा इतनी करवा रहे, बड़ी खूबसूरत लुक में आ जाएगी। अबू को ज़रा कहते हैं कि करवाने की इजाज़त नहीं मिलती ना, जो रोला बना हुआ है वो इसकी इंजन की ऑयल चैम्बर का, ऑयल चैम्बर छोटा हो तो मैं इसको 3-3, 4-4 इंच नीचे करवा दूँ बगैर टेंशन के। तो अभी इसका ऑयल शॉयल बदलते हैं, फिल्टर मेरे ख्याल से खोला हुआ है, फिल्टर इसका नीचे करके लगा मैं सो खोल दिया इसने। तो जो जो प्रोग्रेस होती है गाड़ी को मैं साथ साथ आपको यूट्यूब पर अपडेट देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एंड वो इसी ब्लॉग का एक पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। और जब नई भाई आए थे तो मैंने वो क्लिप्स स्लिप्स कम ही बनाए थे, बाकी कज़न वगैरह ने बनाए थे। और मैंने वो रिएक्शन अपना तो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन नईम भाई का रिएक्शन नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए थे। तो भाई साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान हो गया बाहर जाके तो आ गए जी, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में आ गए हैं, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में आ गए। सही बात, बटनों वाला फ़ोन ले लिया क्योंकि हमारे इलाके में चोरियाँ डकैतियाँ बहुत होती हैं जी। तो मुदस्सिर साहब अमीर है, वो यूँ ही टच फ़ोन ले कर घूमते हैं। नहीं है यार, पूरी असल बात दबा दी है ना, ये बटन वाला फ़ोन क्यों लिया है। आज हम मुदस्सिर साहब की निशान GTR में आए हैं। प्यार से GTR कहते हैं हम इसे। उसमें ड्राइव काफ़ी अच्छी है इसकी, मेहरान से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो हमारे घर खड़ी है दूसरी। तो बस अभी आए हैं, 2-3 काम करने आए हैं, देखते हैं। एक डिसएडवांटेज इसके शीशों वाला है कि हम इस टाइम दोजख के अंदर बैठे हैं, शदीद गर्मी है, तभी आपको हम अभी काले काले आ रहे होंगे। काले काले भी आ रहे हैं, बैटरी भी ज़रा डाउन हुई हुई है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही, फ़ोन भी इनका चार्ज नहीं हुआ हुआ, ये दूसरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में भी चार्जिंग कम है। और मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो पिछले वाला व्लॉग था, हालांकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि इनका प्रोग्राम बना हुआ आने का, मुझे इतना पता था कि जल्द आएँगे, महीने के अंदर शायद आ जाएँ। ये तो ईद गुजरी है तो 2 दिन बाद इनकी कॉल आई है कि मैं तो आ रहा हूँ, तो भाई उस चीज़ ने बड़ा एक्साइट किया मुझे। और दूसरा ये कि मिड्स मारे आ गए थे, फिर उस जैसे व्लॉग नहीं बन पाया, लेकिन मैं इसको टाइम नहीं दे सकता। नहीं ये ना, ये शुरू में टाइम दे पाए तो ना मैं दे पाया, इनके घर मेहमान आ रहे थे और मेरे चल रहे थे मिड्स, बीच में हमारी मुलाकात ऑलमोस्ट डेली होती थी है। लेकिन ये इस तरह यूँ बैठ के व्लॉग बनाने वाला सीन कह रहा था ना आपको लास्ट व्लॉग में कि पहले मैं ड्राइवर होता था तो अब ये मेरा ड्राइवर है ना, तो अब तब्दीली आ गई है, चेंज हो गया सब कुछ जी। 5 साल में पाकिस्तान इतना चेंज हो गया। तो यार अभी देखते हैं आगे, अभी तो वैसे ही बाहर आए हैं और साथ पानी से बताते साथ ले आता मैं ले शॉप से नहीं वो ले सोडा पिया। चलो भाई अब मौज मस्ती वाले व्लॉग आएंगे क्योंकि कल मेरा खाली एक आखिरी लैब का मिड रह गया, उसके बाद सीधा वो मिड दे के भी ना बल्कि मैंने आपकी तरफ आना है। या गाड़ी का काम पहले देखते हो ना, अगर हो गया उस टाइम सही है। इसमें वाइफ का आपको फिल्म बताते हैं, टच है बटन वाला भी है, टच भी है। इसमें आपको व्हाट्सएप मिलेगा, फेसबुक, टिकटॉक, हॉटस्पॉट जिसे आप अपने बड़े वाले फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें सारे फीचर वही हैं जिस तरह पुराने क्यों मोबाइल में होते थे, आप ब्राइटनेस हाई लो कर सकते हैं,
आप और क्या कर सकते, ये सेटिंग्स हैं इसकी, इसमें आप वाईफाई, मोबाइल डाटा, ये सारा, ब्लूटूथ, बैटरी लाइफ बता रहे हैं आपको 55%। चेक करते हैं रिंगटोन कैसी है। बस ठीक है। मुझे जितनी नफरत अपने अलार्म से हुई है ना, इतना मैं तंग आया, गुस्सा चढ़ा था किसी के मोबाइल में, अक्सर होते हैं ना रिंग टोन उन्होंने सेट की थी। वो काफ़ी दिनों से फ्लैश लाइट ढूंढ रहा था, आज मिल गई है फ्लैश लाइट भी है इसकी। क्या बात है, ये सही सहूलत है जिनका फोन इधर आके नॉन पीडीएफ रहता है। किसी को चाहिए वो बताना ना, जाते जाते ये फोर सेल है। लिया छः के आपके लिए पाँच के, ये डिस्काउंट आ गया, सिर्फ 20 दिन यूज़ होगा उसके बाद आपका। इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ इसकी चलती है, कोई एक चार्ज पे 1.5 दिन निकाल लेते हैं। समय भी आ गया नहीं मांगा।